फिरोजाबाद केस सिकावाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी देहात रणवीर सिंह ने एक ही दिन में अलग अलग दो प्रेस वार्ता कर बड़े स्तर पर की कार्रवाई। एसएसपी आशीष तिवारी फिरोजाबाद द्वारा नशे के अवैध कारोबार व मादक पदार्थ की तस्करी और बिक्री करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहा अभियान में एक युवक गिरफ्तार। सिकावाद पुलिस द्वारा एक किलो नाजायज चरस मैक एक कार बुलेरो के साथ एक अभियुक्त सोनू उर्फ टोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज है एक दर्जन से अधिक मुकदमे। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर साथित अभियुक्त सोनू बीडीएम कॉलेज के सामने से किया था गिरफ्तार। फिरोजाबाद अपर पुलिस अधीक्षक देहात रणवीर सिंह एवं सीओ कहावाद कमलेश कुमार व सीईओ प्रेमिर कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी जानकारी। देखिए फिरोजाबाद से सौरा सिंह जिला संवाददाता सहयोगी अमरेश राजपूत की रिपोर्ट स्केच न्यूज। सटोरिया है जो सट्टा और जुआ का धंधा कराता है और नारकोटिक्स का भी धंधा कराता है। इसका नाम सोनू टोपी है। ये निवासी कटरा मीर थाना सिकोहाबाद का रहने वाला है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं पहले के। आज जो हमारी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसी के दौरान आज हम लोगों ने बीडीएम कॉलेज के सामने हमारी जो टीम थी उन्होंने चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा है और इसके पोजीशन से नारकोटिक्स बरामद हुए हैं। इसके बाद हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दवा कितना पकड़ा गया हुआ है सर? ये बेसिकली एक किलो नारकोटिक्स इससे बरामद हुआ है और एक बलेनो कार भी है जिस कार में ये इस तरह के धंधे करता था। उस कार को भी हम लोगों ने सीज किया है और अभी पूछताछ में बहुत सारे लोग इस गैंग में शामिल हैं और सभी लोग हमारे रडार पे हैं। हम लोग बहुत जल्दी बाकी अन्य मेंबर्स को भी अरेस्ट करेंगे और जिस तरह से फिरोजाबाद पुलिस इस तरह के अवैध धंधे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है हम लोग शीघ्र ही शीघ्र पूरे इस तरह के गैंग्स को यहाँ पे बस्ट करेंगे। इस गैंग में कोई फरार भी है सर? इस गैंग में इसके साथ तो अभी उस समय कोई फरार नहीं हुआ था बट इस गैंग में और लोग भी हैं जिसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं।